Good morning, my dear students. Today we will read English chapter 3, The North Wind. Open book, page number 24. There is an activity on this page. Get started. Guide the boy through the maze to find his ramp. आपको इस बॉय की हेल्प करनी है उसकी रैम रैम मीन्स भेड़ तक पहुंचने में. ओके, आफ्टर डूइंग दिस मूव टू नेक्स्ट पेज. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द नॉर्थ विंड गिव्स अ बॉय मैजिक गिफ्ट्स दैट ऑलवेज सीम टू डिसअपीयर. नॉर्थ विंड क्या है? हवा है जो किस डायरेक्शन से ब्लो होती है? नॉर्थ साइड से, और बहुत तेज. तो नॉर्थ विंड जो है वो एक बॉय को कुछ मैजिक गिफ्ट्स देता है, बट वो गिफ्ट्स क्या होते हैं? हमेशा गायब हो जाते हैं. हाउ डज ही रिकवर हिज गिफ्ट्स? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट. इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे उसने अपने वो गिफ्ट्स वापस लिए. सेक्शन फर्स्ट. वन डे द नॉर्थ विंड सा अ बॉय कैरिंग अ बैग ऑफ फ्लोर. एक दिन नॉर्थ विंड ने देखा कि एक बॉय आटे का एक बैग लेकर जा रहा है. जस्ट एज द बॉय टर्न्ड इनटू हिज स्ट्रीट द नॉर्थ विंड ब्लू द बैग आउट ऑफ हिज हैंड एंड स्वेप्ट इट राइट अवे. जैसे ही बॉय उसकी गली में आया, किसकी गली में? द नॉर्थ विंड की. तो नॉर्थ विंड बहुत तेजी से चला और उसने उसके हाथ से वो बैग उड़ा दिया हवा में. दैट नॉर्थ विंड, क्राइड द बॉय इन एंगर. बॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाता है, अरे नॉर्थ विंड. ही फॉलोड द नॉर्थ विंड राइट टू हिज हाउस. फिर वो उसके घर तक उसके पीछे जाता है. यू टुक अवे द ओनली बैग ऑफ फ्लोर वी हैड. उसने कहा कि तुम ये जो बैग उड़ाकर ले गए हो, हमारे पास सिर्फ इतना ही आटा था. ही टोल्ड द नॉर्थ विंड व्हाट विल माई मदर कुक फॉर आवर सपर. आई एम सो हंग्री. कि मेरी माँ, व्हाट यू नो व्हाट इज सपर? सपर होता है शाम का खाना, इवनिंग मील. कि आज शाम को मेरी माँ क्या बनाएगी, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी थी और तुमने हमारा आटा उड़ा दिया. द नॉर्थ विंड फेल्ट रादर अशेम्ड. तो शायद इस पर उसको थोड़ा सा फील हुआ. अशेम्ड मीन्स उसको थोड़ी शर्म आई. किसको? नॉर्थ विंड को. ही फेल्ट वेरी सॉरी कि अरे ये मैंने क्या कर दिया. एंड ट्राई टू मेक अप फॉर द मिसचीफ ही हैड डन. तो फिर उसने ट्राई किया कि उसने जो गलती की है उसको वो क्या करे, उसका मेकअप करे, उसको सुधारे. हेयर टेक दिस टेबल क्लोथ ही सैड. If you spread it on the table, you shall have everything you wish to eat. कि इस टेबल क्लॉथ को तुम किसी भी टेबल पर स्प्रेड कर देना, बिछा देना, और जो भी तुम्हारी खाने की इच्छा होगी ये टेबल क्लॉथ तुम्हें दे देगा. All right, said the boy and took the table cloth and started for home. Boy बोलता है ठीक है. उसने उससे वो टेबल क्लॉथ लिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा. However, he had run very far chasing the north wind. हमने पढ़ा ना कि वो north wind के पीछे भागा था, तो वो काफी दूर तक भाग लिया था. It soon got dark, तो अंधेरा होने लगा. I'll stay the night at an inn, he thought. तो वो सोचता है, inn means small hotel. आपने पढ़ा ना chapter first में भी innkeeper. तो वैसे ही एक छोटे से होटल में वो सोचता है मैं रुक जाता हूँ. Beans, bread and meat, ordered the boy as he spread out his tablecloth in his room at an inn. तो जो इन में, उस स्मॉल होटल में, छोटे से रेस्टोरेंट में उसने जो रूम लिया था उसमें बैठ के उसने उसको टेबल क्लॉथ को स्प्रेड किया और उसको ऑर्डर करता है बीन्स, ब्रेड एंड मीट. तो जैसे ही वो उसने इसको बिछाया तो उसको खाना ऑर्डर कर दिया. द फूड अपीयर्ड मैजिकली ऑन द टेबल क्लॉथ. तो जैसे ही उसने ऑर्डर किया, एक मिनट से मैजिकली मैजिक से उसमें फूड अपीयर हो जाता है. द बॉय टक्ड इन. टक्ड इन मीन्स पेट भर के खाया, बहुत अच्छे से खाया. एंड देन वेंट टू बेड. और फिर सोने के लिए बेड में चला गया. सेक्शन टू. द स्लाई इन कीपर हैड वॉच्ड ऑल दिस थ्रू द की होल. और जो स्लाई मीन्स चलाक, जो चलाक इन कीपर था, होटल का मालिक था, उसने वो सब कुछ कहाँ से देखा? उस डोर के की होल से. तो लेट एट नाइट ही क्वाइटली स्टोल द टेबल क्लॉथ व्हाइल द बॉय स्लेप्ट साउंडली. साउंडली मीन्स जब वो गहरी नींद में सो रहा था बॉय, तो उसकी जो इन कीपर था उसने उसका वो टेबल क्लॉथ धीरे से चुरा लिया.
The next morning, the boy was hungry again, but there was no tablecloth and so no breakfast. अगली मॉर्निंग में जब उसको उसकी नींद खुलती है तो वहाँ ना तो कोई टेबल क्लॉथ था, तो टेबल क्लॉथ नहीं था तो उसको ब्रेकफास्ट भी नहीं मिला. द बॉय वेंट राइट बैक टू द नॉर्थ विंड एंड कंप्लेंट. यू आर अ चीट नॉर्थ विंड, यू हैव टेकन बैक योर टेबल क्लॉथ. तो बॉय जो है वो नॉर्थ विंड के पास जाकर उससे कंप्लेन करता है कि तुम एक चीट हो. चीट मीन्स धोखा देने वाले. अरे नॉर्थ विंड, तुम तो चीट हो, तुमने अपना टेबल क्लॉथ जो था वापस ले लिया. नो सेड द नॉर्थ विंड. नॉर्थ विंड ने कहा नहीं, दैट इज नॉट द वे आई वर्क, बट आई विल गिव यू अ रैम दिस टाइम. कि मैंने उसको नहीं चुराया पर चलो फिर भी मैं तुम्हें एक रैम दे देता हूँ. रैम क्या होता है बच्चे? व्हाट डू यू नो व्हाट इज रैम? मैंने आपको पहले भी बताया था, रैम इज अ मेल शीप, एक भेड़ा, भेड़. ईच टाइम यू रब दिस हिज वूल, ही विल ड्रॉप अ पीस ऑफ गोल्ड फ्रॉम हिज माउथ. लुक आफ्टर हिम वेल. तो उस भेड़ की क्या खासियत थी भेड़े की, कि जब भी तुम इसकी वूल को रब करोगे प्यार से तो वो तुम्हें अपने मुंह में से एक पीस ऑफ गोल्ड देगा, सोने का एक टुकड़ा देगा, एक सिक्का देगा सोने का. लुक आफ्टर हिम वेल, बस इसका तुम अच्छे से ध्यान रखना. द बॉय रैन बैक एंड फाउंड द रैम एट द डोर ऑफ द स्टेबल बिहाइंड द इन. तो बॉय क्या होता है, एक इन के पीछे स्टेबल में उसको वो रैम मिल जाता है. ही कॉट द रैम बाय द रोप अराउंड हिज नेक एंड लेट इट स्लोली अप द स्टेयर्स ऑफ द इन टू हिज रूम. तो उसने उसको रैम को गले में जो रस्सी होती है उससे पकड़ा और वो अपने इन वाले रूम में उसको ले गया. By now he was hungry because it was night again, so he patted the ram on its back. तो उसने रैम को उसकी बैक पर थोड़ा सा हल्का सा पैटेड होता है, थपथपाया, थोड़ा सा उसको थपकी देता है. The ram lowered his head and piece of gold dropped from his mouth. तो उसके मुंह से जैसे ही वो अपना मुंह नीचे करता है तो उसके मुंह में से क्या निकलता है, एक पीस ऑफ गोल्ड. गुड ओल्ड नॉर्थ विंड. तो बॉय बोलता है नॉर्थ विंड बहुत अच्छा है. ही पेड द इन कीपर विद द पीस ऑफ गोल्ड फॉर हिज स्टे एंड सपर. तो उसने उसको अपने शाम के खाने के लिए और अपने रहने के लिए इन कीपर को वो गोल्ड पे कर दिया. ही स्लेप्ट साउंडली दैट नाइट विद द रैम फॉर हिज पिलो. तो उसने रैम को अपने सिर के नीचे रखा जैसे कि उसको उसका पिलो बना लिया और सो गया. वेन द बॉय अवोक इन द मॉर्निंग हिज हेड वॉज अपॉन द फ्लोर एंड द रैम वॉज गॉन. पर जैसे ही सुबह उसकी नींद खुलती है वहां पर रैम तो था ही नहीं, वो तो नीचे सो रहा था और रैम तो जा चुका था. सेक्शन 3. ही ब्लेम द नॉर्थ विंड अगेन. वो फिर से उसके पास जाता है, नॉर्थ विंड के पास. कौन जाता है? बॉय. यू हैव टेकन बैक योर रैम. उसको बोलता है कि तुमने अपना रैम भी वापस ले लिया. द नॉर्थ विंड सेड नथिंग. उसने कुछ नहीं कहा. ही पुट अ क्वियर लुकिंग स्टिक इन टू अ बैग एंड गेव इट टू द बॉय. उसने एक देखने में बहुत ही अजीब. द नॉर्थ विंड सेड नथिंग. उसने कुछ कहा नहीं. ही पुट अ क्वियर लुकिंग स्टिक इन टू अ बैग. उसने देखने में एक थोड़ी अजीब लगने वाली स्टिक को एक बैग में डाला एंड गेव इट टू द बॉय और बॉय को दे दिया. ही टोल्ड हिम टू गो बैक एंड लॉक हिज डोर टाइटली एट नाइट. उसने कहा कि तुम अब वापस जाओ लेकिन अपने जो तुम्हारा डोर है, तुम्हारे रूम का डोर है, उसको अच्छे से टाइटली बंद करना. दैट नाइट द बॉय वॉज वोकन अप बाय स्क्रीम्स. स्क्रीम क्या होती हैं? चीखें. तो रात को बॉय को जब नींद खुलती है तो उसने देखा कि कोई चिल्ला रहा है. ही ओपन्ड हिज आई टू सी द इनकीपर रनिंग अबाउट इन हिज रूम बींग चेस्ड एंड बीटन बाय द स्टिक. तो वो देखता है कि जो इनकीपर है, जो इनका मालिक है, वो रूम में दौड़ रहा है इधर उधर और उसके पीछे स्टिक जो है उसका पीछा कर रही है और उसको पीट रही है. हेल्प हेल्प द इनकीपर क्राइड. इनकीपर चिल्लाता है कि कोई मेरी हेल्प करो. द बॉय क्विकली रियलाइज दैट द इनकीपर हैड स्टोलन हिज गिफ्ट. तो बॉय को तभी रियलाइज हो जाता है, तभी पता चल जाता है कि उसके जो गिफ्ट्स हैं वो किसने किए हैं स्टोलन, चोरी इस इनकीपर में. गिव मी बैक माई रैम सेड द बॉय. तो बॉय ने कहा मुझे मेरी रैम वापस दे दो.
गेट इट, इट इज हिडन इन द बार्न, सेड द इनकीपर. बार्न होता है शेड, जहां पर हम एनिमल्स को रखते हैं. तो वो कहता है जाओ जाओ, बार्न में गो छुपाया पड़ा खड़ा है तुम्हारा वो रैम, वहां से जाकर के उसको ले लो. गिव मी बैक माई टेबल क्लोथ, सेड द बॉय. बॉय ने कहा कि मुझे मेरा टेबल क्लोथ भी दो. टेक इट इट इज इन द किचन, स्क्रीम्ड द इनकीपर. तो इनकीपर चिल्लाता है जाओ जाओ ले लो, वो कहाँ है, किचन में पड़ा है. द बॉय वेंट आउट एंड फाइंड हिज रैम इन द बार्न एंड द टेबल क्लोथ इन द किचन. ही केम बैक टू द रूम. तो वो जा कर के अपनी दोनों चीज़ें वहाँ से लेता है और अपने रूम में वापस आ जाता है. नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज. स्टॉप स्टिक स्टॉप नाउ ही सैड. तो वो स्टिक से बोलता है कि स्टिक स्टॉप, स्टिक अब तुम रुक जाओ. He said, the stick stopped and jumped into the bag. तो वो stick जो है रुक जाती है और जल्दी से bag में jump कर जाती है. The boy picked up the bag and the tablecloth. जो boy है वो tablecloth और bag को उठाता है. Then leading the ram by a rope, he went back home. तो फिर वो rope से उसको पकड़ के ram को एक रस्सी से और अपने घर ले जाता है. His mother was very glad to see him. तो उसकी मदर उसको देखकर बहुत खुश होती है. And they lived happily ever after. और इसके बाद में वो हमेशा खुश रहते हैं.